अच्छा तो राहुल गांधी कैसे इंसान है, मतलब कैसे राजनीति के लिए? फिट नहीं है। तो हिंदुस्तान का भविष्य राहुल गांधी में तो नहीं है। अच्छा तो उनके जाने से देश पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है अब? अच्छा, बीमारी खत्म हो गई। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अंकल, राहुल गांधी की सदस्यता कल समाप्त हो चुकी, कल तो इस बारे में मतलब आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसमें स्वच्छता जो है हमारे देश से हट गई है ना। लोग कभी भी कुछ भी बोलते हैं, तो क्या है कि ये बात नहीं है कि उन्होंने मोदी के संबंध में कुछ बोला, लेकिन ऐसा एक मोदी को एक मतलब जनरलाइज करके किसी को चोर बोलना ये गलत बात है ना। तो ये एक प्रकार से किसी के प्रति मतलब असम्मान, किसी जाति के प्रति असम्मान ये होता है, तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो हुआ है वो एकदम ठीक हुआ है। अच्छा तो उनके जाने से देश पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कल जैसे रायपुर में कल पत्थरबाजी हुई बहुत। हाँ जी, हाँ। और देखिए, उनके जो समर्थक हैं या जो विरोधी हैं, कोई वजह से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपने नेता के लिए तो अगर ऐसा होगा तो करेगी, पत्थरबाजी करेगी। और ये जो ये सब ये राजनीति वाली चीज़ें हैं उनके विरोध में फिर बीजेपी वाले भी ऐसे करेंगे, तो ये चलता ही रहता है। ये गंदी पॉलिटिक्स, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो स्वच्छता जो राजनीति में होनी चाहिए ना, वो नहीं खत्म, वो खत्म हो गई। अच्छा तो राहुल गांधी कैसे इंसान है, मतलब कैसे राजनीति के लिए? फिट नहीं है। और मोदी? मोदी तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो भी काम किया आज तक, चाहे वो धारा 370 हटाने वाली बात हुई, हाँ। या सर्जिकल स्ट्राइक है, तो एक जो मतलब एक मतलब दृढ़ निश्चय कोई नेता होता है ना, वही ये कर सकता है, और मोदी ने ये करके दिखाया। और मैं ऐसे में कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया, काम जो किया, वो देश के लिए बहुत अच्छा किया। अच्छा, आप राहुल गांधी को जानते हो? हाँ। कैसे इंसान है वो पॉलिटिक्स के लिए? उसको क्या बोलेंगे, पप्पू है, जानते हो। अच्छा, जैसे कल उनकी सदस्यता समाप्त हो गई संसद से, हाँ। उनको 2 साल की सजा हो गई, हाँ। इस बात को आप कैसे देखते हैं? अब ये मेरे को हिसाब से तो होना भी चाहिए था, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री को बोले हो। अच्छा, तो मेरे हिसाब से वो ठीक था। अच्छा तो उनके जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा हमारे देश को? नहीं पड़ेगा। अब भैया, आप राहुल गांधी को जानते हो? जी जी बिल्कुल। कैसे इंसान है? इंसान तो अब ठीक ही होंगे, लेकिन गई है सदस्यता, मतलब गई है देश के लिए तो नहीं है उतने अच्छा लगता है हमको। हाँ, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी होते हैं कि इंडिया के मतलब ये होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट होता है, तो उनके बारे में मतलब गलत शब्द जो भी आने मतलब मैसेज देते हैं वो गलत है ना। तो मुझे बस ज़्यादा जानकारी तो भाई नहीं उतनी। सदस्यता चले गई है, सदस्यता खत्म हो चुकी है। सदस्यता तो चलो भाई, मतलब अब वो तो गवर्नमेंट का काम है, अब क्या मतलब संसद में जो भी पारित हुआ है उसके उसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। के हर आदमी अपना भविष्य देखता है, नहीं देखता है, हाँ। हर आदमी अपना भविष्य देखता है, तो हिंदुस्तान का भविष्य राहुल गांधी में तो नहीं है। अच्छा, उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है अब? अच्छा, बीमारी खत्म हो गई, आगे की सोच मेरे हिसाब से तो सोच बीमारी खत्म हो गई। सदस्य क्या है, सदस्यता क्या, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। आओ गुरु, आओ बैठो यहाँ। तो उनके जाने से कुछ प्रभाव पड़ेगा अपने देश में? देश में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोगों की सोच पे जरूर प्रभाव पड़ेगा, और देश में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कल अंकल रायपुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी पत्थरबाजी हुई? नहीं, ये तो मूर्खता है। हम भी बाहर के हैं, राजस्थान के हैं, यहाँ के नहीं है, ये हल्दीराम मना रहे हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है, जयपुर के राजस्थान के, लेकिन समझते तो है ना, देखते हैं दुनियादारी, 2-3 महीना हो गए, हाँ। तो समझते हैं, बाकी बीजेपी अच्छा है। अच्छा, राहुल गांधी कैसे इंसान है? राहुल गांधी जीरो हमारी तरफ से। मैडम, हमको क्यों पूछते हो क्या किधर कोई सदा वदा, वो प्रावधान तो नहीं है ना, नहीं हो तो भी डर वाली चीज़ नहीं है हमारी नज़र में, देखो उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया, धोखे के अलावा कुछ भी नहीं किया, सच्ची समझा जाए ना, हकीकत में ईमानदारी से देखा जाए ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, मोदी मोदी तो कोई युग पुरुष। अच्छा, मोदी कोई युग पुरुष है? हिंदुस्तान को कौन जानता था? जानता था 2014 से पहले कोई जानता था? कुछ नहीं जानता था, एक कोने के अंदर रहता था, जैसे वेटर रहता है ना होटल का,
जिसके ऊपर खूब प्रेशर रहता है उस बेटे की तरह हिंदुस्तान रहता था, और आजकल हिंदुस्तान माली की तरह बैठता है, मोदी है तो बैठता है ना, पूरे वर्ल्ड में नाम है। अपने बच्चे लोग अभी वो यूक्रेन में कुछ हुआ था ना लफड़ा, उसमें बच्चे लोग भी थे। हाँ। मेरे भी परिवार का एक मेरे भाई का बच्चा फट रहा था वहाँ, ऐसी बात नहीं है, मोदी मोदी है, ऐसा ऐसा। भैया कल राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? सदस्यता समाप्त होने का ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मेन उसके जो टिप्पणी और बोलने का तरीका उसके कारण में भी हो सकता है कि उनसे वो सदस्यता ले ली गई हो, जो उनके ऊपर केस हुआ है उसके लिए उनको दी गई है सजा, उसके लिए वो वैसे कल इसी बात का रायपुर में कल बहुत पत्थरबाजी हुई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब उनके सपोर्टर्स को करते रहते हैं, वो पॉलिटिशियंस का काम है कि एक दूसरे में भड़काव करवाना। अच्छा, आपके हिसाब से राहुल गांधी कैसे इंसान है? ऐसे पॉलिटिशियन तो उनको नहीं कह सकते क्योंकि उनका फेस वैल्यू, उनका बोलने का उतना नॉलेज नहीं है, तो एज ए बोलेंगे पॉलिटिशियन तो नहीं है वो। भैया आपके हिसाब से राहुल गांधी कैसे इंसान? बीच में आपने उनका एक वर्ड सुना था, आलू डलेगा सोना निकलेगा। हाँ। ये वैसे ही है, फेमस हुआ था उस समय है ना, जैसे उसके ऊपर रील बनती थी। कुछ बोल नहीं सकते इनके लिए, आलू डाल के सोना निकालेंगे ऐसे। अच्छा, तो उनके सदस्यता खत्म होने से हमारे देश में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका ऐसा कोई फेस वैल्यू नहीं था, कोई इम्पैक्ट नहीं था कि उससे कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए।